मोटिवेशन के नाम पर यूट्यूब पर ऐसे ऐसे वीडियोस और लेक्चर्स आ रहे हैं जो स्टूडेंट को बेहद ज़्यादा नेगेटिव फील करवा रहे हैं। कहीं आपको माइंड ओपनिंग का पार्ट पढ़ाया जा रहा है और कोई आपको ये सिखा रहा है कि मन में आए विचारों को कैसे कंट्रोल करें। असल में स्टूडेंट्स, इन पर फ्यूचर की फिक्र सवार होती है और दूसरी, इन्हें ऐसी ऐसी उलझनों में डाला जा रहा है जिनसे बाहर आ जाने के डर से ही वो इन बातों को बेवजह फॉलो कर रहे हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। यही नहीं, मेरे पास ज़्यादातर स्टूडेंट का यही सवाल होता है, सर माइंड ओपन कैसे करें। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ भाई, आपको माइंड ओपन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो पहले से पूरा काम कर रहा है। जिसे आप थर्ड आई या त्रिनेत्र कहते हैं, वो आपके जन्म से पहले से लेकर अब तक आपके साथ ही है। अपने दिमाग के साथ ऐसे बेवजह के पंगे लेकर उस पर और ज़्यादा बोझ मत डालो। दूसरी चीज़ है, अपने दिमाग में आने वाले बेवजह के विचारों को कैसे रोकें। ये वीडियोस तो माइंड ओपनिंग से भी ज़्यादा फेमस है। 19 साल से लेकर 50 साल के हर एज का इंसान इन वीडियो को बड़ी शिद्दत से देखता है और कोशिश करता है कि किसी तरीके से उनके दिमाग में आने वाले फालतू विचार बंद हो जाए। अजीब पागलपन सवार हुआ है। दरअसल तुम लोग दिमाग को उस नजर से देखते ही नहीं जिसके लिए ये बना है। तुम लोग बस इसे खुद पर बोझ डालने वाला मन ही समझते हो। बस ये विचार बंद हो जाए, तुम्हें तो कोई परवाह ही नहीं। दिमाग में विचारों का आना जाना कितना रहस्यमय खेल है। सोचने समझने की शक्ति जो लाखों सालों में ईश्वर की कृपा से तुम्हें मिली है, आज तुम उससे उकता गए हो। दिमाग के लाखों सालों की मेहनत को तुम ऐसे ही भूल जाना चाहते हो उसकी क्षमता का फायदा उठाए बिना। जरा सोचो, तुम्हारे दिमाग में होने वाले विचारों की बारिश ही रुक जाए जो कि तुम्हारे मानव जीवन की समझ को बढ़ाने का आधार है, तो तुम में और एक जानवर में क्या फर्क रह जाएगा। आचार्य मनु इस बात को अच्छे तरीके से जानते थे, इसलिए उन्होंने आदम को मनुष्य का नाम दिया। मनुष्य का मतलब आदमी नहीं होता, मनुष्य का मतलब होता है वो प्राणी जो सोच सकता है, वो प्राणी जो समझ सकता है, वो प्राणी जिसे अपनी जीवन कैसे जीना है उसकी पूरी समझ है एंड टेक्निक है। मनुष्य यानी वो प्राणी जिसके पास दिमाग के साथ साथ मन भी है, जो महसूस कर सकता है, जिसमें हर रोज एक नई दुनिया का आगमन होता है, जिसमें वो ताकत है जो ना दिखाई देने वाले चीजों को भी आकार और रंग रूप दे सकता है। यही नहीं, कुछ विद्वान जो दर्शन शास्त्र के ज्ञाता हैं, वो अपनी सोच के मुताबिक ये भी मानते हैं मनुष्य यानी आचार्य मनु द्वारा तराशे गए प्राणी। वो मानते हैं आचार्य मनु को अपने मनुस्मृति में जो सबसे प्रिय प्राणी था उसको उन्होंने अपना नाम देकर खुद को उन्होंने युगो युगो तक जोड़ लिया। और तुम अपने शरीर को चलाने पालने वाले यंत्र की ऊर्जा को खत्म करने की कोशिश करने में लगे हुए हो। तुम्हें ये कहने वाले कि दिमाग में ज्यादातर आने वाले विचार यूं ही बेवजह होते हैं, वो खुद अपनी जरूरत से ज्यादा सोच पाने की कला से बोर हो गए हैं और बाद में तुम्हारे सामने इस सोच पाने की कला को ऐसे पेश करते हैं जैसे कि वो कोई पागलपन हो। ऐसा नहीं है, दिमाग में आने वाले विचारों को बंद नहीं किया जा सकता, वो हो सकता है। बस अपना सांस रोक लो और तुम्हारे दिमाग में ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी, धड़कनें धीमी होने लगेगी, तो विचारों का आना कुछ समय के लिए बंद हो जाएगा। अगर बिल्कुल दिमाग बंद करना चाहते हो तो अपनी धड़कनें रुकने का इंतजार करो, बस फिर मौत तुम्हारे सामने होगी और सारा खेल खत्म। अपनी सोचने की शक्ति जिसको पाने के लिए ना जाने तुमने कितने जन्म लिए, कितने युद्ध किए, कितने दुख दर्द झेले, उसको खत्म करने का खेल त्याग दो और उस खेल को समझकर उसके साथ जियो। समझो ईश्वर के खेल को। ब्रह्मांड में घूमने वाला हर विचार तुम्हारे दिमाग से होकर गुजरता है। अगर तुम उस पर काम नहीं करते हो तो कोई उस पर काम करके नाम कमा जाएगा। फिर मत कहना ईश्वर ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। जहाँ ईश्वर की बात हो, वो हर पल तुम्हें कुछ ना कुछ नया देते रहता है। तुम नहीं समझ पा रहे, ये अलग बात है। याद रखना, ब्रह्मांड में से गुजरने वाला हर विचार तुम्हारे दिमाग में से होकर गुजरता है।